वेलकम टू रश्मि फूड स्टफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा चटनी, जो कि ये एक्चुअल में बिहार और झारखंड में बनाया जाता है, लेकिन मैं आज इसको आपको बनाने का प्रोसेस बता रही हूँ, वो भी कढ़ाई में। बहुत ईजी प्रोसेस से बता रही हूँ फ्रेंड, खाइए और कुरकुरे करारेदार लिट्टी बनाइए अपने घर में। तो चले लिट्टी बनाने के लिए। लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आटा लेते हैं। ये मैंने 3 बड़े बॉल्स आटा लिया है। अगर आपको कम लिट्टी बनाना है तो कम आटा ले सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग है। अब इसमें हम करेंगे क्या, पहले हम बीच में ऐसे कर लेंगे। ये हमने नमक डाला है, ये खाने वाला सोडा है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। और हम ये ऑयल इसे डाल के अच्छी तरह मिला के हम इसे बहुत ही सॉफ्ट डो कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देंगे, हमने थोड़ा अजवाइन डाल दिया, ठीक है फ्रेंड। अब हम इसे मिला लेंगे अच्छी तरह और हल्के हल्के पानी डाल के आटे की डो की तरह गूंद लेंगे। सॉफ्ट डो गूंदना है। ये देखिए हमने ये डो गूंद लिया है, ये देखिए सॉफ्ट बनाना है फ्रेंड। अब हम इसे करेंगे क्या, थोड़ा सा तेल ले लेंगे, ऐसे चारों तरफ करके ऐसे। अब इसे हम 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि और सॉफ्ट हो जाए, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड। 5-7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं इसका मसाला बनाने के की फिलिंग के लिए हमने लिया है सत्तू। सत्तू 2 छोटी कटोरी लिया है। ये भी फ्रेंड अपने आटे के अकॉर्डिंग होता, अगर आप आटा ज़्यादा ले रहे हैं तो फिलिंग आपको ज़्यादा लेना होगा, आटा कम लिए हैं तो फिलिंग के लिए सत्तू कम लें। सत्तू लिया है मैंने। अब सत्तू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए आमचूर पाउडर, ये कलौंजी है, अजवाइन, थोड़ा मैंने आटा में भी डाला था, नमक, नमक थोड़ा ठीक से डालिए फ्रेंड, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज बारीक कटे हुए हैं सब, ये सब डाल के पहले हम मिला लेते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है मैंने और थोड़ा सरसों का तेल। अब इसे हम क्या करेंगे, अच्छी तरह मिला लेंगे। आधा मैंने नींबू का रस भी डाला है इसमें। अब ये सूखा सूखा लग रहा है तो थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि जब हम इसको फिल करेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से फिल हो जाए, ऐसे सूखा रहेगा तो फिल नहीं होता और खाने में भी थोड़ा मुंह में चिपकता है। ये हमने मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और पानी डालेंगे और हाथ से मिला लेंगे, हल्का पानी डालना, ज़्यादा भी मत डाल दीजिएगा। ये देखिए ऐसे हमने इसका अच्छे तरह पानी डाल के मिक्स कर लिया। अब देखिए थोड़ा ये बन जा रहा है ना, ऐसे ये भरने में सही रहता है। ये तो हमारा मसाला बन के रेडी है। अब हम देखते हैं आटा अब कैसा हो गया, उसको आटा को मिलाएंगे। ये हमारा रेडी है आटा की रोटी, ये डो हमारा रेडी है एकदम रोटी की तरह। हमने जैसे रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही ये तेल लिया है थोड़ा, इसे और अच्छी तरह मैश कर लेंगे। अब करना क्या है फ्रेंड, देखिए पहले हमने दबाते हुए इसके लोए बना लिए, लोए थोड़ा बड़े बड़े ही बनते हैं। ये लोए बनाए, अब क्या करेंगे, ये देखिए
मैं आपको फिल करने बता रही हूँ। तेल लिया हाथ में, इस तरह करेंगे दबाते हुए, उसको अच्छे से फिल करना है ताकि फटे नहीं। चलाते हुए फैला दीजिए ऐसे। अब हम इसमें सत्तू भरेंगे, जो फिलिंग डाला था हमने, ये देखिए थोड़ा गीला करने पर ये अच्छे से बाइंड हो जाता है। अब हम इसे इस तरह गोल गोल चलाते हुए सब तरफ से फिल कर दीजिए। ये ऊपर वाला पोर्शन हटा दीजिए, गोल घुमा लीजिए, हल्का सा हाथ में तेल लगा लीजिए, गोल घुमा लीजिए। एक और बताती हूँ, ये देखिए, ठीक है, एक और बताती हूँ। अब इसे हम इस तरह फटाफट कटोरी के सेब का डाल देंगे, बीच में थोड़ा सा तेल डालिए और ये सत्तू फिल करिए। इसे इस तरह भरिए, ऊपर वाला पोर्शन हटा दीजिए और इसे मुंह बंद करके गोल बना दीजिए। गोल शेप का होता है फ्रेंड लड्डू, लड्डू की तरह होता है लिट्टी, ये देखिए। इसी तरह और हम फिल कर लेंगे। ये हमने सारे भर के बना लिया है, अब हम इसे चलेंगे बनाने। देखिए फ्रेंड, ये लिट्टी जो है हम अंगीठी पे भी बना सकते हैं, गैस पे भी बना सकते हैं, ओटीजी पे भी बना सकते हैं, माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, लेकिन सबके पास सब चीज़ अवेलेबल नहीं होता। आज मैं आपको इसे कढ़ाई में बनाने सिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसे ओटीजी पे भी बना सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो इसे कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि वो भी ईजी प्रोसेस है, सबके पास नहीं होता ओटीजी। तो चलिए मैं इसको आपको कढ़ाई में बताती हूँ, बहुत ही इजी से बन जाता है। चले कढ़ाई, ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा फ्रेंड। गैस को मैंने सिम पे रखा है। अब हम मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा घी लगा दूँगी, घी इसलिए कि पेंदे में थोड़ा चिपके नहीं। देखिए हल्का सा घी लगा दिया, ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का सा कोटिंग करना ताकि वो लिट्टी चिपके ना। अब हम क्या करेंगे, ये लिट्टी है इसको थोड़ा सा गोल कर लीजिए, अब इसे इसमें डाल दीजिए। इसे ढकना है, पलटना है, ढकना है, पलटना है। फ्लेम को लो रखिएगा। अब हम इसे ढक देते हैं, 3 मिनट के बाद फिर देखते हैं, फिर पलटेंगे, फिर देखेंगे। अब हम देखते हैं, ये देखिए एक तरफ से बहुत अच्छा सिक गया है। इसे इसी तरह हम हर कोने से पलट पलट के, ये देखिए फिर ढक देते हैं। फ्लेम को एकदम लो रखिएगा, याद रखिएगा फ्रेंड, और पलटते रहना है इसे। अब हम देखते हैं फिर, ये देखिए अब इस तरफ से सिक गया है। इसे हमें चारों साइड से सेकना है अच्छी तरह से, ये देखिए। अब हम इसे दूसरे साइड में कर देंगे, इस तरह पलट देंगे, जिधर आपको लगे कि नहीं सिका है उधर आप इसे, थोड़ा सा अगर घी की ज़रूरत हो तो घी डाल सकते हैं, हल्का सा डालिए फ्रेंड, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में हमें इसमें वापस डालना है घी। इसे सिकने देते हैं, हर तरफ से इसे एकदम अच्छे से सेकना है। अब हम देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड सब तरफ से सिक गए हैं, बहुत ही अच्छा आवाज़ सुन रहे। अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद। अब इसे एक प्लेट में निकालते हैं, गर्मा गर्म लिट्टी को। अब हम इसे घी में डिप करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब हम ये लिट्टी जो है क्या करेंगे, ये घी में ऐसे कोटिंग कर देते हैं।
ताकि अंदर सारा एब्जॉर्ब हो जाए। गर्म है तो ये ऑलरेडी मेल्ट हो जाए। ये हमारा लिट्टी। अब हम दूसरा डालेंगे। इसी तरह सारे डाल के हम घी में डुबो देंगे, अच्छे से डालते जाएंगे और फिर निकालते जाएंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह हम सारे कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए चोखा और एक चटनी बनाती हूँ मैं, क्योंकि लिट्टी खाएंगे कैसे। तो अब हम चोखा की तैयारी करते हैं। ये हमारा लिट्टी रेडी है इस तरह से। ये देखिए ये हो गया। अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम चोखे की तैयारी करते हैं। चोखा बनाने के लिए मैंने क्या किया, दो आलू लिए, उबाल लिया है। टमाटर है 3, इसको मैंने एक कुकर में एक सीटी लगा लिया। और ये बैंगन है, बैंगन को मैंने गैस पे सेक लिया, छिलका हमने हटा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कट करके निकाल देंगे। इसे अच्छी तरह ओपन करके देख लेते हैं फ्रेंड। अब हम टमाटो को भी कट कर लेते हैं। सबको क्या करना है, मैश करना है। इस तरह हम सबको काट लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल्स लेंगे, उसमें ये बैंगन का उबला हुआ सेका हुआ डाल देंगे। ये टमाटर उबले हुए और ये आलू। अब ये सबको हमें फोड़ लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, आलू थोड़ा दिखना चाहिए। टमाटर को अच्छी तरह मैश कर लीजिएगा। ये हमने अच्छी तरह से टमाटर आलू को फोड़ लिया है। ये देखिए आलू थोड़ा मोटे दिख रहे हैं। अब इसमें करना क्या है फ्रेंड, ये हमने लहसुन थोड़ा कटी हुई, हरी मिर्च और ये प्याज जैसा दिया है, धनिया पत्ता, सरसों का तेल, ये बहुत ज़रूरी है, और नमक। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लीजिए। ये हमारा चोखा बनके रेडी है। लिट्टी बन गया, चोखा बन गया। इसके साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रही हूँ, अगर वो बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए ये हमारा काला राई है और ये दही है। इसको क्या करना है, पहले हम ये राई को सिर्फ मिक्सी में, मिक्सी का जार सूखा होना चाहिए, उसमें हम इसको चला लेंगे, ठीक है। इसका पाउडर बनाते हैं, उसके बाद फिर हम ये डाल के फिर मिक्सर करेंगे। पहले इसका मैं पाउडर बनाती हूँ फिर बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसे सूखा पीस लिया है। अब हम इसमें नमक, ये छोटी कटोरी दही है, थोड़ा अदरक, थोड़ी हरी मिर्ची और ये डाल के अब हम मिक्सर में चला लेते हैं। ये चटनी है, ये आप लिट्टी के साथ, लिट्टी चोखा और ये चटनी खाइए फ्रेंड। ये चटनी इतना चटपटा लगेगा ना आपको कि मैं बता नहीं सकती। अब इसे हम पीसते हैं फ्रेंड। चटनी मैंने पीस लिया है, इसको मैंने कटोरी में निकाल लिया, धनिया पत्ता से गार्निश कर लिया। तो चटनी रेडी, भरता रेडी, लिट्टी रेडी, फिर देरी किस बात की, चलिए खाते हैं फ्रेंड। लिट्टी बन के रेडी है, तो चलिए हम देखते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया है। इसे आप इस तरह भरता में लगाइए, चटनी लगाइए और खाइए फ्रेंड। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए और लिट्टी का मज़ा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।